आप कलर देखो यार इस कॉफ़ी का, दिस इज सम क्वालिटी। ओ हो, आज के एपिसोड में आपको दिखा रहे अमेजिंग कॉफ़ी एंड कॉफ़ी दिखा रहे चार टाइप की जो हमारे आगे लगी हुई है। सो गाइस, सबसे पहली कॉफ़ी जो हम यूज़ करें विच नेस्ले क्लासिक, एंड ये सबको पता, सबके घर में इसी कोल्ड कॉफ़ी बनती है बढ़िया सी। आप ब्रू भी यूज़ करते हो, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट वन। तो इसमें हम लोग पानी डाल लेते हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं इसको वाइन जैसे। तानिश इस कप में पी रहा है, मैं सीधा उसी से पी रहा हूँ, तो लेट्स टेस्ट जैसे हम वाइन टेस्ट करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, मतलब एक स्ट्रांगनेस है इसमें नेस्कैफे में, जो आप ये देख सकते हो, मतलब नॉर्मल कॉफ़ी जैसी होती है उसका एक नॉच हायर करके स्ट्रॉन्ग। हाँ, नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो है गोल्ड। गोल्ड का ये 100 ग्राम का जो पैकेजिंग है वो आता है 475 रुपीज़ का। इसका एक और वर्जन आता है आपका डेविडॉफ का, सेम रेंज की कॉफ़ी है, सेम प्रोडक्ट है। दिस इज़ पर्सनली जो आजकल मैं घर पे यूज़ करता हूँ, दिस इज़ इंस्टेंट कॉफ़ी। आपको मैं बता दूँ, वो भी इंस्टेंट कॉफ़ी थी, ये भी इंस्टेंट कॉफ़ी है। और जो कॉफ़ी पीते हैं ना वो, ये वीडियो उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो इंस्टेंट कॉफ़ी से शुरू कर रहे हैं कि आप घर पे क्या बेचते हो ईजिली एंड व्हाट कैन बी डन। इसकी जो 2 ग्राम की वैल्यू आती है प्राइस के हिसाब से, वो आती है 950 रुपये। तो आप देखो कि हमें शायद लग रहा हो 475 की इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन 5.5 और 9.5 में डबल का भी फ़र्क नहीं है। लेकिन क्वालिटी का आपको फ़र्क दिखाता हूँ जब मैं इस पर पानी गिराऊंगा। तो गाइज आप देख रहे हो, वो जो हमने नेस्कैफे की ली थी वो देखो, इसके ऊपर ना कैसे क्रीम आ गई, जैसी दूध और या फिर हमने इसमें दूध डाला हो, लेकिन ये जो क्रीम है ना, दिस इज एवरीथिंग। तो इसका ब्रूइंग प्रोसेस आपने देखा, हमने तो कैसे ब्रू कर रखा है, ये 950 रुपये की है, डबल से कम प्राइस की है, लेकिन क्वालिटी और खुशबू, आहा क्या बात है। तानिश को डालते हैं, एक साथ टेस्ट करेंगे, तो तानिश अब बताएगा क्या क्या फ़र्क है उसको लगता। ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी है घर में, अगर मैं डलगोना कुछ बनाता हूँ, दिस इज़ माय, घर में इसका स्टॉक पड़ा रहता है। चीयर्स। 475 400 ग्राम्स। तो थोड़ी लाइट बॉडीड है, बट थोड़ा एकदम से हिट हुआ, मतलब कॉफी का ना, हाँ, मतलब अलग ही एक फ्रेशनेस ऑफ वे। हाँ, मतलब उसके एंड नोट्स थे, इसके स्टार्टिंग नोट्स और एंड नोट्स होना, दोनों मतलब बैलेंस्ड कॉफी वाली फील आती है। हाँ, तो वी आर नॉट कॉफी कॉनशियर, ये हम आपको ऐसा जनरल बता रहे हैं कि जनरल कंज्यूमर। देखो नंबर थर्ड पे जो है उसके लिए हम ये फ्रेंच प्रेस यूज कर रहे हैं, जिसको हम पानी के लिए यूज कर रहे थे। एंड इसमें पहले हम लोग डालेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉफ़ी बनानी पड़ती है, छोटा भी आता है, ये 500 ml वाला है। तो ये देखो इसमें ना काफ़ी सारी डलती है, एंड ये हमने डाल दिया इसमें। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 रुपये की कॉस्टिंग आती है इसे बनाने की। अब हम इसमें पानी डालेंगे, वेट करेंगे, कम से कम 2 मिनट वेट करेंगे जब तक ये ब्रू होएगी। तो ये टाइम हो गया, हम इसको अब प्रेस करते हैं, हमारे 2 मिनट कंप्लीट हैं। ये देखिए इसके ऊपर भी क्या स्मूथ कलर आ रहा है, देखिए वाओ। फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी का ना अलग ही मज़ा होता है। बस इंस्टेंट और उसमें फ़र्क दिखा रहा हूँ, काफ़ी लाइट, काफ़ी लाइट, बिकॉज इंस्टेंट से हमेशा फ्रेशली ब्रूड हमेशा अच्छी होगी, बिकॉज इसी से वो ड्राई करके वाली कॉफ़ी बनाई जाती है। और मुझे एक और बात लगी कि जो नॉर्मल वाली थी नेस्कैफे वाली, वो जो थी मतलब कड़वाहट थी, इसमें कड़वाहट फील नहीं हुई। अच्छा, ये बात है, ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारी 4th नंबर वाली कॉफ़ी है जो हम पी रहे हैं। तो इसका जो प्राइस है ये 400 रुपये का मिला है, इसमें 10 सेशन निकलते हैं, इसका प्राइस है 40 रुपये पर कॉफ़ी। बट ये है ब्लू टोकाई, दिल्ली बेस्ड ब्रांड है, गुड़गांव बेसिकली NCR, एंड ये इंडियन कॉफ़ी को प्रमोट करता है, खुद रोस्ट करता है, वो काफ़ी फेमस है कॉफ़ी लवर्स के बीच में। इसमें फिल्टर की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखिए इसके ये जो 2 हुक्स है, इसके इस हुक्स को आपने ऐसे कप में लगा दिया, इसमें ओहो हो, खोलते ही क्या खुशबू आई है, मतलब जैसी आप ओहो हो, और आप कलर देखो यार इस कॉफ़ी का, दिस इज सम क्वालिटी। ओ हो, तो इसमें लिखा कि 3-4 बार डालना है हमने इसमें पानी, दिस इज सुपर्ब।
ये फ्रूटी फ्लेवर है इसका, मतलब इट्स क्वाइट डिफरेंट। मैं आपको स्ट्रॉन्ग वाला भी टेस्ट करवा सकता, बट ये आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट हम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। वाओ, पूरा रूम महक गया है इसके खुशबू से। ये देखिए, इसमें हम अभी थोड़ा पानी और मिला सकते हैं इसको, क्योंकि कप थोड़ा छोटा है, कि उस कप ने ना जगह ली हुई है उसकी अभी भी, तो आप थोड़ा बड़ा कप लीजिए। ओनली मैंने ये कप इसलिए रखा है बिकॉज दीज आर ट्रांसपेरेंट कप्स, वेस्ट नहीं करूँगा कॉफ़ी। ये देखिए, आप इसे थोड़ा बड़ा कप ले सकते हैं, माई पर्पज वॉल ओनली टू शो दो लुक एट दैट ब्यूटी। ओ हो वाह, हम साइड कर रहे हैं। टू टुका इज अ कंपनी जो दिल्ली NCR बेस्ड है, इंडियन कॉफ़ी एस्टेट से कॉफ़ी लेती है एंड प्रमोट कर रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, वन ऑफ द गुड इंडियन प्रोडक्ट्स जिसको कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनली भी, ब्लू टोकाई। और इसका पैकेजिंग जो है बहुत सबसे बेस्ट है, मतलब कंपेयर टू ऑल, आई डोंट नो अबाउट द प्राइस, आगे करके दिखाओ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है इसकी बेस्ट लगी मुझे, और इसकी बेस्ट पैकिंग है। तो इसको हम जो पिएंगे ना, तो इसका टेस्ट ही अलग आएगा। एक काफ़ी हैवी बॉडीड है, मतलब थोड़ा ऐसा लगा ना वेटी है, मतलब लिक्विड में, मतलब एकदम से बाद दो एक दो सेकंड बाद हिट करी, थोड़ा सा इसमें जैसी फ्रूटी फ्लेवर है संतरे जैसा, बहुत सटल बट, तो दिस इज ऑन अनदर लेवल। सो ये 40 रुपए का पड़ता है, बट आई वुड से अगर आपने अच्छी कॉफी पीनी है, गो फॉर नेस्कैफे गोल्ड। इफ यू कैन बाय दिस थिंग, नथिंग लाइक इट, दिस इज अ वेरी गुड कॉफी। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं।